तो ये इसके स्लेव्स थे। स्लीव्स, और ये विमर्श इसका, ये हमारा फ्रेंड बनेगा इसका, ये शॉर्ट कुर्ता बनेगा हमारा, ये इसकी बैक है और ये ट्राउजर है। तो ये पैच के लिए हमारे पास इसमें से पट्टियां हैं, ये हमारी स्लीव्स की पट्टी है, स्लीव्स का पैच, ये और ये फ्रंट का दामन, और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे ये स्कार्फ बनेंगे इसी तरह से। तो आइए शुरू करते हैं व्यूअर्स जी। तो व्यूअर्स हम कटिंग की शुरू करते हैं। इसके हम पहले बिछाएंगे बैक, ये बैक का कपड़ा इसे हम कैसे पहले सीधा कर लिया है, इसे हम बिछा देते हैं यहाँ पे इस तरह से। बैक का कपड़ा, अब ये इसका फ्रंट है और ये इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर हमने यहाँ पे सेट किया है। पहले हम इसका ये बॉर्डर रखते हैं इतना, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, नीचे हमें इसको फोल्ड करना है। अच्छा, इसको अलग से पट्टी हम लगाएंगे मजबूती के लिए, फिनिशिंग भी उसमें बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ तक हमारी लंबाई तैयार आती है, हम इसको रख देते हैं इस तरह से। अब इसके साथ हम फ्रंट बिछाएंगे, ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट हमारा यहाँ से इतना फोल्ड हो जाना है, ये देखें, इसको पहले ही फोल्ड करके इसके ऊपर रख रहा हूँ ताकि हमारी को मैच बिल्कुल लीजिए, ठीक है। इसी तरह से जमा लें बिल्कुल, ताकि कटिंग के दौरान ये हिले ना बिल्कुल भी। ये जी, ये बैठ गया हमारा कपड़ा। अच्छा, इसकी लंबाई हम रखेंगे 36.5। ये देखें, ये 36.5 पूरी पूरी आ रही है। तो यहाँ पे हम ये निशान लगाएंगे 36.5 इंच में, और यहाँ पे हम इसी भी लाइन खींचेंगे पहले। अच्छा, अभी लंबाई हो गई हमारी मुकम्मल तक यार। अब हमें सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर है इसमें हमारा 14 इंच, 14 इंच शोल्डर है। अब ये 14 इंच का हाफ 7 इंच हो जाता है, 7 इंच का मार्जिन उसमें, तो 7.5 में हम ये निशान लगा लेते हैं। अब इसी पॉइंट से हम ये सारे निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान लगाने का मकसद यही, अगर हम निशान नहीं लगाएं और यहाँ से नापेंगे तो निशान आगे पीछे हो जाएंगे। अब इसी लाइन में हमने निशान लगाने हैं। अब इसके चेस्ट लाइन का निशान लगाते हैं जहाँ पे हमारी चेस्ट की फिटिंग आएगी। अच्छा, ये निशान लगेगा हमारा 7.5 इंच में, इसका निशान लगेगा हमारा 14 इंच, 14.5 इंच पे, और एक का निशान हम लगाएंगे 21 इंच पे, तो ये भी हमारा जॉब भी बनेगा। अब ये स्केल की मदद से लाइन इसकी सीधी कर देते हैं, क्योंकि बस इतनी इतनी लाइन लगानी, पूरी लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ब्रांड के सूट होते हैं बाद में अंदर से निशान नजर आता है, निशान मिटते भी नहीं है। अच्छा, अब हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट है हमारी 19 इंच, 19 इंच ये लग गया। अब वेस्ट का निशान, अच्छा इसे हम कुर्ता बनाना है, तो कुर्ता इसे हमें कुर्ता बनाना है, इसलिए हम वेस्ट से 2 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने रखा है 19 तो यहाँ से 5 इंच हम कर देते हैं कम, यहाँ पे हम 18 इंच में निशान लगा देते हैं, ठीक है 21.5 इंच, 21.5 में निशान लगाएंगे, और दामन इसका हम रखेंगे, देखते कहाँ सेट आता है, तकरीबन 23 पे आ रहा है हमारा, या 22.5 पे, 22.5 पे हम इसका ये दामन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक आएगा, एक और एक ये देखेंगे, ये निशान हमने पहले यहाँ तक लगा लेना है, ये हमारा निशान लग गया। अब ये चेस्ट का निशान और हिप का निशान में हम इसको और थोड़ा लूज करते हैं, क्योंकि ये एक असल नाप, तो हम इसको लूज रखेंगे थोड़ा सा, इतना फर्क आ रहा है,
हम इसको यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे, इसमें इसको हम लूज कर देते हैं क्योंकि ये कुर्ता बन रहा है। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी, ये, और यहाँ पे हम इसका हल्के से शेप के साथ निशान लगाएंगे। ये जरूरी है हमारी साइड का निशान लग गए हैं, यहाँ पे हमारी चौक तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो निशान लगाना ये बहुत अहम होता है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये निशान लगाते हैं, ये 7.5 है तो यहाँ पे भी 7.5 इंच पे निशान लगता है यहाँ पे, और उसके बाद फिर 1 इंच कम करते हैं यानी कि 6.5, तो डायरेक्टली 6.5 पे निशान देते हैं ये वाला, समझ आ गई। यहाँ डायरेक्ट हम निशान 6.5 लगा देते हैं तो 1 इंच अंदर डाउन हो जाएगा करवाएगा इसमें। ये देखें जब हम ये लाइन लगाते हैं इसकी सीधी, यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे इसको। तो वैसे 1 इंच डाउन करना जरूरी होता है, उसमें फिर यहाँ पे बल नहीं आते। कुछ लोग बिल्कुल आधा इंच कर देते हैं हल्का सर, तो फिर वो नीचे कपड़ा जाता है और यहाँ पे सिलवट आते हैं पहनने में। 1 इंच डाउन करेंगे आप तो यहाँ सिलवट नहीं आएगा, आर्म होल बिल्कुल साफ सुथरा आएगा। अब गला इसका बनना है बिल्कुल यही, तो ये तकरीबन ब्रॉड 8 इंच है और डीप तकरीबन ये 3.5 इंच होगा, डीप 3.5 इंच। ये देखें यहाँ पे हम निशान लगाते हैं 8 इंच का और ये 3.5 इंच। यहाँ पे हमारा गला ये बनेगा और ये जो पट्टी तैयार की गई है हमारी कमर तक आ रही है। ये देखें ये कमर का कमर है और ये कमर यहाँ तक हमारी ये पट्टी तैयार हो गई। चलिए फिर आप शोल्डर का ये डॉन कर लेते हैं शोल्डर को। अभी हम आर्मर का शर्ट बनाएंगे इस तरह, ये देखो बिल्कुल सा। तो चलिए हम इसको कटिंग करते हैं। तो रिव्यू से हमारी कटिंग हो गई। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं और इसके बैक का निशान सॉरी मैं लगाना भूल गया, रिविंग लगा के लगा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से ये 8 इंच है, तो हमने 3.5 रखा था, इस पर हम 2.5 इंच रखेंगे। जब हमें कटिंग करनी है तो यहाँ पे कटिंग करनी, इतना दबाव छोड़ के ये हमारा इतना फोल्डिंग में जाएगा, इसी तरह इसकी भी कटिंग आएगी। अब हम उसमें बुकरम का गला बनाना, इसलिए हमें बुकरम का गला बनाना पड़ेगा इसको भी कटिंग। चलिए रिवर्स इसको हम समेट लेते हैं और इसकी प्लेट की कटिंग करते हैं। ये प्लान लगा सारे कपड़े को, ये पैर है स्लीव्स का और ये स्लीव्स है। अब इसको जैसे ही जैसे दामन में हमने रखा था बिल्कुल वैसे ही इसको यहाँ सेट कर देते हैं पहले। इसे रिव्यू कर लेते हैं, मैंने इसका कढ़ाई को आपस में मिला दिया है, ये पॉइंट और इस पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, इसके बाद खूबसूरत बनता है एक जैसा है। अब इसे हम यहाँ रखेंगे, इतना हमारे इसमें दबाव है, यहाँ रख के आप इसको कटिंग करेंगे। 18 इंच लंबाई है तो यहाँ हम 18.5 इंच पे रख के ये एक निशान लगा लेंगे, और दूसरा निशान यहाँ हम 4 इंच पे लगाएंगे, ये बिल्कुल ये सीधा जाएगा हमारा। और यहाँ पे निशान लगाएंगे 19 चेस्ट है तो यहाँ 7.5 इंच में हमारा निशान होगा। अगर ये 20 होती तो फिर तकरीबन 7.5 पे आता हमारा। ये हमारा फ्रंट का निशान लग गया। तो फिर इसके बनेंगे कुर्ते में थोड़ा लूज ही रखते हैं तो इसको हम 11 इंच निशान देंगे यानी कि 5.5 इंच। यहाँ से हल्का सा शेप देते हुए हम इस तरह निशान लगा लेंगे, हल्का सा शेप देना बहुत ज़्यादा नहीं। ये निशान लग गया हमारा। चलिए अब इसकी जल्दी जल्दी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट बाजू का और ये बैक, बैक को इतना छोड़ के काटना है यहाँ से तकरीबन 1/2 इंच। तो ये बस ये होगी हमारे बाजू की कटिंग। यहाँ पर हम ये कट लगा लेते हैं और ये फ्रंट का कट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर करना और घंटी के निशान को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।